यही हमको अभी दिखाए एथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में, यही एथेनॉल। पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है, अगर एथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला है। तो पूरी बात बता दी, और सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार एथेनॉल का उत्पादन यहाँ पर शुरू हुआ है। आप लोगों में से तो बहुत लोगों को मालूम होगा कि 2007 से ही हम लोग चाह रहे थे एथेनॉल के लिए, और उसके लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव भी आया था लोगों का, लेकिन उस समय जो हम लोगों ने कुछ कानून बना करके अमेंडमेंट करके भेजा तो उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन अभी जब 2019 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में मालूम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने अब कर दिया है, ये तय किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज़ से होगा। अब किसी भी चीज़ से भी उत्पादन, जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, मक्का का बता दिया और भी जितने भी जो पौधे हैं उसका सब तो ये सब बना दिया, आपका गन्ना का इसका भी ना बता रहे हैं, चावल का भी, उसका जो टुकड़ा रहेगा उससे भी बन जाएगा, सब हो रहा। तो इसीलिए जो कुछ भी होने वाला है ये बहुत अच्छी बात है। और आज जो इनका काम जो शुरू हो गया है, इन लोगों ने आज हम लोगों को बुलाया और आपने हमको कहा कि भाई चलिए, तो हम चले आए, क्योंकि हम लोगों को भीतर से मन से खुशी थी कि जरा एक बार तो देख लें एथेनॉल अगर बनता है तो किस प्रकार से बना रहे हैं, कैसा लग रहा है। आज सब दिखा दिया, हमने एथेनॉल भी देख दिया कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा। और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है, अगर एथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ, और ये देख लीजिए, यही हमको अभी दिखाए एथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में, यही एथेनॉल। तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे थे, और जब जान अब आज हुआ तो पहला शुरू हो गया। अब जैसा भी माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि साहब अनेक जगहों पर और भी पूरी तैयारी लगभग कर लिया है, तो वो सब तो शुरू ही होगा। लेकिन आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा उद्योग का विस्तार हो रहा है और बिहार में, तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए जब एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया और उसकी स्थापित हो गई यहाँ पर, तो किसानों को बहुत प्रसन्नता हुई। बिल्कुल, किसानों को कैसे बाहर भेजना पड़ता है अगर उसको। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।